सब्सक्राइब करें गुरुदेव मेरे भगवान चैनल को, इस बेल आइकन को दबाएं नए सत्संग को सबसे पहले देखने के लिए। कुछ चला गया हो, समझो सुख चला गया, शांति चली गई, या जन्म कुंडली में काल सर्प योग है, तो शिव मंदिर में जाकर दूध पानी और शहद मिलाकर शिवलिंग पर अभिषेक कर दें और मंत्र बोले, काल सर्प योग की निवृत्ति होगी। मंत्र क्या बोले? मृत्युंजय महादेव, मृत्युंजय महादेव, मृत्युंजय महादेव, मृत्युंजय महादेव, त्राहि माम शरणागतम, त्राहि माम शरणागतम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, संसार भयनाशनम, संसार भयनाशनम। ये बोलते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ा दें, दूध चढ़ा दें, ऐसा तो इससे काल सर्प योग की निवृत्ति होती है। और शिवरात्रि आ रही है 6 मार्च को। शिवरात्रि के दिन अपने घर के दरवाजे के बाहर पिसी हुई हल्दी से स्वस्तिक बना दें और शिवरात्रि की रात को ईशान कोण के तरफ मुंह करके जप करें। 11 बजे से शुरू करें जप करना, 10 बजे से रात को 11 बजे से शुरू कर दें। 1-1.5 बजे तक तो जप जरूर करें, काल सर्प योग की निवृत्ति। और बाकी के लोग भी शिवरात्रि के दिन उपवास जरूर करो। कोई बहुत बूढ़े हो, किसी को डायबिटीज हो, उनकी बात अलग है, बाकी स्वस्थ है, जवान है, तो शिवरात्रि के दिन उपवास जरूर करना, बहुत बहुत लाभ होगा।